ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले छह राशियों की बात की थी, चलिए ब्रेक आगे बढ़ते हुए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले सभी जातकों के बारे में। चलिए बात करते हैं हमारे जो तुला राशि वाले जो दोस्त लोग हैं कि आज का दिन आपके लिए क्या कहता है। आज किया गया कोई भी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वो लाभकारी रहेगा। धन संबंधी काम पूरे हो सकते हैं और थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग रहिएगा। इफ़ यू वांट टू डू सम डिसीजन और कोई बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं तो मेंटली स्ट्रांग लेकर आज आपको डिसीजन करना है। व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं और आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि वो एक आशीर्वाद है। हम आजकल आशीर्वाद लेना हमने छोड़ दिया है बुजुर्गों का। बैंक बैलेंस कैसे बनता है, रुपए पैसे का बैंक बैलेंस तो छूट जाता है दोस्तों। जिस दिन ऊपर जाएंगे उस दिन उसमें जो जमा है वो जमा रह जाएगा, अगले दिन घर वाले निकाल लेंगे उसको। अपने साथ में क्या जाएगा, आशीर्वाद का जो बैंक है जो हमने इकट्ठा किया तमाम उम्र, तो उसको कैसे अच्छे पुण्य काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, बड़े बुजुर्गों का नियमित रूप से आशीर्वाद लीजिए। आप बड़े बुजुर्गों के पांव छुएंगे तो जीते रहे बेटा, सदा खुश रहो, यशस्वी भवा, कितने आशीर्वाद मिलते हैं। वो आशीर्वाद आपके बैंक में इकट्ठे होते जा रहे हैं और वो आशीर्वाद जो है वाला जो बैंक है वो ही आपके काम आएगा अंतिम समय में। तो पैसा तो जमा कर रहे हैं जिसका कोई ठोर नहीं है, पर वो आशीर्वाद झुकेंगे नहीं माता पिता के चरणों में, बड़े बुजुर्गों के चरणों में। अरे आज से नियम बांधो कि रोज माता पिता के चरण छूके उसके बाद घर से निकलेंगे, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सकारात्मक सोच से आज के दिन को अच्छा बना सकते हैं। भाग्य का सहयोग मिलेगा, धन प्राप्ति का योग है। व्यर्थ कार्य और व्यर्थ के वार्तालाप में समय मत खराब कीजिएगा और माँ लक्ष्मी जी की, माँ संतोषी जी का आज पूजन कीजिएगा, तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि धनु राशि, ठंडे दिमाग से सोच समझकर काम कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, सोच को नेगेटिव मत बनाइएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, सब अच्छा होगा। बुजुर्गों का फिर अगेन आई एम रिपीटिंग, बुजुर्गों का दिल ना दुखाने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा। गाली भी देवे तो भी सुन लीजिएगा, थप्पड़ मारे तो भी खा लीजिएगा, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका अधिकार है। बिल्कुल पंडित जी, अभी के लिए एक दर्शक जुड़ी है हमारे साथ, कोटा से गीता जी हैं, अपने हस्बैंड संगीत जी के लिए जानना चाहती हैं। संगीत जी की जन्म की तारीख है 8/4/74 और जन्म का समय दोपहर का 1:20 का। गीता जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा बेटा, बोलिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी, अपने पति के बारे में पहले भी पूछा था हमने, हाँ। आपने पुखराज पहनने के लिए बोला था तो वो उनकी फिंगर से ना बार बार निकल जाता है और फिर उनको गुस्सा भी आता है, तो उन्होंने पहना ही नहीं है, तो गले में पहन सकते हैं क्या? और इनको गुस्सा भी बहुत आता है और बिजनेस कैसा चलेगा आगे? देखो बेटा, गीता आपके हस्बैंड की जो है संगीत, उनकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा बिल्कुल लास्ट चरण में है। इस साल नवंबर 2018 में 19 साल की शनि की महादशा खत्म हो रही है। तो जब उतरता जब शनि होता है, चढ़ता शनि उतरता शनि कहीं ना कहीं हिलाता है, परेशान करता है। तो अब शनि की महादशा उतरने जा रही है और चूंकि आगे बुध की महादशा शुरू होगी और यदि इनको बुध का पूर्ण फल प्राप्त करना है तो इनको पुखराज पहनना ही पड़ेगा। उसमें पुखराज में अगर खुल जाता है, ढीली है, तो नीचे लच्छा बांध दो, मोली का लच्छा बांध दो, जो थोड़ी टाइट हो जाएगी। और आगे आने वाला समय निश्चित तौर पे कहते हैं कि उतरता शनि बहुत कुछ देख के जाता है और इनको जीवन में संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होगी। वजन के बराबर गुड़ का दान नियमित रूप से कराइएगा और जब तक शनि उतर रहा है तब तक शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके तेल अवश्य अर्पण कीजिएगा। तो चलिए दर्शकों, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतिम तीन राशियों की, जो कि मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि की बात कर लेते हैं, आज का दिन काफी सेंसिटिव है। किसी लंबे प्रोजेक्ट पर हां भरने से पहले उसके कानूनी पक्षों को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लीजिएगा। दिन का दूसरा भाग रिलैक्स करने में आपकी मदद करेगा और किसी भी कार्य में झूठ नहीं बोलने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वह कुंभ राशि, आज आपका टाइम अच्छा है, उसका पूरा फायदा उठाइएगा।
फाइनेंस से जुड़े कामों में अनुभवी लोगों की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता भी मिल सकती है, आज आपका खुशी का कारण बन सकती है। गौ माता को गुड़ खिलाएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वह मीन राशि। आज आपके सामने नई और पुरानी दोनों तरह की समस्याएं रहेंगी। जो हालात बन गए उसमें से कोई रास्ता खुद ब खुद निकल जाएगा और बिना मदद स्वयं किए गए प्रयास सार्थक रहेंगे। तुलसी जी में जल का अर्घ दीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा। और अभी हमारी जिस बहन ने प्रश्न किया था उनके प्रश्न का जो मूल जो क्वेश्चन था उसका आंसर देना भूल गया। आपने मेरे से पूछा कि क्या पुखराज को गले में पहन सकते हैं। निश्चित तौर पे उसका पेंडेंट बना के, सोने के अंदर पेंडेंट बना के आप अपने जो पति हैं संगीत उनके गले में पीले डोरे के अंदर भी उसको डाल सकते हैं। तो चलिए दर्शकों भी आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास निकला है आप सभी के लिए। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। यही नहीं, हर रोज कर्म और कर्तव्यों को संकल्प और समर्पण के साथ करते चले जाना भी ईश्वर उपासना के समान माना गया है। कई बार लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग, अरे पाठ पूजा नहीं कर रहे तो क्या हुआ, हम सुबह से उठ के काम कर रहे हैं, वो कर्म भी तो पूजा है, काम भी तो पूजा है। प्रैक्टिकल रूप से जिस तरह देव पूजा में ईश्वर के प्रति आस्था और श्रद्धा शुभ फल प्रदान देने वाली मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार लगन के साथ में, सही सोच के साथ में, एक पूरे विश्वास के साथ कार्य करना भी अच्छे नतीजे सुनिश्चित करता है। खास तौर पर आज के दौर की बात करें, कार्य और लक्ष्य को तय समय में पूरा करने और मनचाहे नतीजों को पाने का दबाव, स्ट्रेस हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। टारगेट पूरे करने हैं, कितना स्ट्रेस हो जाता है और उस स्ट्रेस के कारण अनेक अवसरों पर कार्य से जुड़ी अनेक उलझने हमारे दिमाग को अस्थिर बनाती है, अशांत बनाती है और उसका प्रभाव हमारी मैरिड लाइफ पे आता है, घर के बच्चों पे। हमारा हु इज द सॉफ्ट टारगेट। आज अगर आपको आपके बॉस ने डांटा, आपको स्ट्रेस है तो आपका स्ट्रेस कहाँ निकलेगा, आपकी पत्नी पे, माँ के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर, दे आर द सॉफ्ट टारगेट। तो मन मस्तिष्क को ऐसी दशा से बचाने के लिए शास्त्रों में एक मंत्र बताया गया, बड़ा ही कारगर माना गया। दरअसल ये मंत्र भगवान विष्णु का स्मरण मंत्र है। आनंद स्वरूप और जगत के पालक भगवान विष्णु का मंत्र है। उनकी महिमा में यह भी कहा गया है कि विष्णु भगवान जगत को देखने वाले ही नहीं बल्कि स्वयं दृष्टि और दृश्य भी हैं। यही कारण है कार्य क्षेत्र में कार्य से जुड़ी किसी भी उलझन को सुलझाने में शुद्ध भाव और चिंतन से विष्णु मंत्र को मन ही मन बोलना बेहतर नतीजे देने वाला साबित हो सकता है। बहुत सरल मंत्र बता रहा हूँ। ओम श्री पुरुषोत्तम नमः, ओम श्री पुरुषोत्तम नमः, ओम श्री पुरुषोत्तम नमः। स्नान के पश्चात घर के देवालय में पीले या केसरिया वस्त्र पहनकर श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराने के पश्चात केसर चंदन, सुगंधित पुष्प, तुलसी की माला, पीताम्बरी वस्त्र, कलेवा, फल चढ़ाकर उनकी पूजा करें। भगवान विष्णु को केसरिया भात, खीर या दूध से बने पकवान का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर पीले आसन पर बैठकर तुलसी की माला से जो मैंने मंत्र बताया है उसकी 1, 3, 5, 11 माला जाप कीजिए। निश्चित तौर पर जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा, उन्नति प्राप्त होगी। पूजा और मंत्र जाप के पश्चात विष्णु भगवान की धूप दीप कपूर आरती करके देव स्नान कराया वो जो जल है, चरणामृत है, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए और दिन भर ऑफिस में बैठे बैठे इस मंत्र का जाप कीजिए। वर्क प्रेशर में कमी आएगी और मेंटल रिलैक्स आपको प्राप्त होगा। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं हमारा कार्यक्रम आज आप सभी को काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो आप भी सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी समस्याओं के आसान से हल। साथ ही में आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।